हेलो एवरीवन वेलकम टू मेडिकल आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम है सीरंजो माइलिया सीरेंजो माइलिया का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाना so, सो सीरंजो आया है सीरिंग से जिसका मतलब होता है कैविटी या फिर सिस्ट और ये जो सिस्ट बना है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसके अंदर कंटेंट क्या रहता है सी एस एफ सरिप्रोस्पाइनल फ्लूड जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है सैरिस्पाइनल फ्लूड तो जो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर भी सी एस एफ ही रहता है एंड माइलिया मीज स्पाइनल कॉर्ड तो जब स्पाइनल कॉर्ड में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और सिस्ट भी जब सी से फिल लो तो उसे कहते हैं सीरेंजियो माइलिया डेफिनेशन की अगर बात करें तो सीरेंजोमाइलिया का मतलब होता है कैविटी इन स्पाइनल कॉर्ड कैविटी विद इन द सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड ये मैंने ड्रॉ किया है ये वर्टिपुरल कॉलम है ये मैनज है जब स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूड फील्ड सिस्ट बन जाए या कैविटी बन जाए तो इससे हम सीरेंजियो माइलिया कहते हैं अगर हम बात करें कि ये सिस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है तो ये सर्वाइकल स्पाइन में हमें मेनली देखने को मिलता है और ये सिस धीरे धीरे टाइम के साथ इलाज होता है और प्रेशर सिम्टम्स देता है यहाँ के एरियाज़ पर इसके कारण हमें पेन वीकनेस और स्टिफ्नेस के सिम्टम्स आते हैं सिस इलाज होता है और पेन वीकनेस और स्टिफनेस के सिम्टम्स आते हैं दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ओके यहाँ अंदर ग्रे मैटर है और जो सिल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो सेंटर से पैर में जा रहा है तो ये जो कैविटी है ये सेंटर में प्रेजेंट रहती है फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे ये ग्रो होती है कॉजेज ऑफ सिरेंजोमालिया प्राइमरी कॉज हो सकता है या फिर सेकेंडरी कॉज हो सकता है तो प्राइमरी कॉज में जो ब्रेन के टिश्यूज़ है वो प्रोट्यूड अगर कर जाए स्पाइनल कॉर्ड में यदि माल फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है ये एक कंजनिटल एनिमिल ही है जिसमें ब्रेन टिश्यूज़ प्रोट्यूट कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में तो सिस का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर दूसरे सेकेंडरी कोजेज जैसे कि अगर कोई ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजुरीज वगैरह जिसके कारण इंफ्लामेशन होगा वहाँ का टिश्यू डैमेज होगा और सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा ओके सो so, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज क्या डैमेज कॉज बाय इंफ्लामेशन इन्फ्लामेशन कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस के कारण हो सकता है इन्फेक्शन हेमरेजेस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सीजोमाइलिया देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल लेट्रल और वेंट्रल कॉलम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे कोई कैविटी का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ के जो सेंसरी न्यूरोस है वो डैमेज हो गए और उनका फंक्शन अल्टर्ड होगा ओके सो डॉर्सल कॉलम ये पीछे वाला दिस वन इज साइड में तो लेटरल कॉलम और ये सबसे सामने वाला तो दिस इज एंटीरियर कॉलम और कॉलम का क्या फंक्शन होता है कि फाइन टच फाइन प्रेशर वाइब्रेशन और जॉइंट प्रोप्रोसेप्शन का फंक्शन करता है सो so, अगर कैविटी इस तरफ से बढ़ती है तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होते हैं और ये सारे फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे सिमिलरली अगर साइड वाले ये लेटरल कॉलम लेटरल स्पाइनोथैलमिक ट्रैक के फंक्शन अल्टर्ड होता है या डैमेज होता है तो तो पेन का सेंसेशन लॉस होगा टेम्परेचर का सेंसेशन लॉस होगा और पिन प्रिक सेंसेशन चुभने वाले सेंसेशन का चुभने वाले पेन का सेंसेशन लॉस होगा थर्ड वन इज़ एंटीरियर कॉलम तो एंटीरियर कॉलम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है क्रूड टच और क्रूड प्रेशर मतलब जो मोटा मोटा टच है वो उसका सेंसेशन एंटीरियर कॉलम लेके जाता है तो यहाँ पे अगर यहाँ के न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स अगर डैमेज होते हैं तो क्रूड टच लॉस हो जाएगा और क्रूड प्रेशर का सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाएगा क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर सर्वाइकल स्पाइन में सिरिंजोमाइलिया या कैविटी है तो जो पेन के सेंसेशन टेम्परेचर के सेंसेशन है वो लॉस्ट हो चुके हैं इसलिए पेशेंट में बर्न लीज हमें मिलेंगे बर्न लीज क्योंकि पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पे बर्न है या फिर पेन हो रहा है तो वो उसके हाथ को वहाँ हटाए क्योंकि उसे सेंसेशन ही नहीं है तो इसलिए उसके हाथ में हमें बर्न लीजन जले हुए अल्सर्स मिलेंगे दिस इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन जो कि कैरी कर रहा था लेटरल स्पाइनोथैलमिक्रैक्ट ओके पेन एंड टेम्परेचर इधर वाले सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि कैविटी का फॉर्मेशन सेंटर से पेरिफेरी में जा रहा था तो बायोलेट्रल इन्वॉल्वमेंट है इसलिए बायोलेट्रली सारे सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे सो इसमें हमें देखने को मिलता है बायोलेट्रल सेंट्रल कैनाल का लीजन है सो इसमें हमें डिसोशिएट सेंसरी लॉस मिलता है सेंसेशन इसमें सारे लॉस हो जाते हैं अलग अलग जगह से इसलिए डिसोशियट सेंसरी लॉस बिकॉज बायोलेट्रल सेंट्रल कैनाल इन्वॉल्वमेंट है इसमें इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि लोअर मोटर न्यूरोन्स ओरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से ठीक है एंटीरियर हॉर्न सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड से एलिमेंट ओरिजिनेट होते हैं सो अगर यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे सिस्ट है तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शन हेम्पर्ड हो गए और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का मेन लीजन का सिम्टम्स क्या था मसल वास्टिंग या फिर एयर ट्रॉफी जैसे हमें पोलियो माइलाइटिस में मिलती है सो so, इसमें भी हमें मसल वीकनेस और एर ट्रॉफी देखने को मिलती है और तो सीरजो माइला ये डिजीज आकॉर्ड्स ज्वाइंट क्या होता है इसमें पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन लॉस होने के कारण पेशेंट को बार बार अल्सर रिकरेंट अल्सर्स मिलते हैं जैसे कि इसमें बर्न लीजन हमें मिल रहे हैं क्योंकि पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं आ रहा कि उस जगह पे पेन है या टेम्परेचर है तो वो सेंस करके वो अपना हाथ वहाँ से हटाए इसलिए इसे बार बार अल्सर्स मिलेंगे तो ये चाको जॉइंट के अंदर आ जाता है डायग्नोसिस की अगर बात करें कि सीरंजू माइलिया हम कैसे पता करेंगे तो हम एक्सरे करवा लेंगे सर्वाइकल स्पाइन का उसमें हमें फ्लूड सिस्ट नज़र आ जाएगा और हम सी स्कैन या एम भी करवा सकते हैं ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पेशेंट को पेन और वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है तो पेन रिलीव करने के लिए हम उसे एनलजेसिक्स दे सकते हैं अगर उसे हेड हो रहा है या फिर नेक पेन हो रहा है और सर्जरी करवा के इसे रिमूव करना पड़ता है ओके जिसे हम क्या कहते हैं सीरेंजो टॉमिन ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीरंजो माइलिया अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आई एम प्राची एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग